हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। वेलकम टू जेसी के चैनल ज्योतिका। मैं आज आप लोगों के लिए आजियो से क्लोथिंग हॉल लेके आई हूँ। ये राखी स्पेशल है। ये ड्रेसेस आप राखी पे ट्राई कर सकते हैं अगर आपको पसंद आती है तो। आज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो मैंने मेकअप किया है तो थोड़ा सा गर्मी लग रही है। फ़ैन के नीचे बैठी हूँ लेकिन फिर भी है। तो सबसे पहले वन बाय वन ड्रेसेस देखना स्टार्ट करते हैं। कुछ कुर्ता सेट है, कुछ अनारकली कुर्ती है। एक्चुअली 4 ड्रेसेस है, उसमें से 2 कुर्ता सेट है, फुल कुर्ता सेट है, 3 पीस सेट मतलब कुर्ती बॉटम वियर एंड दुपट्टे का सेट एंड 1-2 जो है वो अनारकली कुर्ती है। आइए वन बाय वन देखते हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, उसके बाद ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आए तो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो वीडियो लेट जो नोटिफिकेशन है वो लेट मिलते हैं या मिलते ही नहीं है। तो आइए फर्स्ट जो है ना कुर्ता सेट देखते हैं। कुछ इस तरह से है, पिस्ता ग्रीन शेड में 2 शेडेड जो है कुर्ता सेट है। पिस्ता ग्रीन और ग्रीन का शेड है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने पे। आइए इसे ओपन करके देखते हैं। ये जो है मायरी ब्रांड का है। आजियो का कलेक्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इस पे ब्रांडेड कलेक्शन रहता है तो मुझे अच्छा लगता है, इनकी क्वालिटी अच्छी रिसीव होती है। ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पे पिक्चर भी लगाऊंगी। ओवरऑल ये कुछ इस तरह से है, ये रियॉन मटेरियल का है। सबसे पहले इसकी स्लीव देखते हैं, आपको 3/4 स्लीव मिलेगी। इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एकदम सटल सा शेड है। जिन्हें सटल कलर पहनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है वो इसे ले सकते हैं। राउंड जो है नेक मिलेगा। इसके बाद नेक पे कुछ इस तरह से डिफरेंट टाइप में पैटर्न बनाया गया है, थोड़ी एम्ब्रॉयड्री की गई है, लेस लगाई गई है तो नेक को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की गई है और जो कि कामयाबी रही है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा नेक लग रहा है। इसके बाद छोटे छोटे यहाँ पे एम्ब्रॉयडरीज है, ये जो है फ्लावर वाली डिज़ाइन बनाई गई है, ये पूरी एम्ब्रॉयडर्ड है, इस पर कुछ भी फॉयल प्रिंट नहीं है। साथ में सीक्वेन और बीट का भी काम किया गया, बहुत थोड़ा है बट किया गया है। स्ट्रेट कुर्ती है पूरी, इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है मुझे। ट्राय ऑन हॉल साइड में लगाऊंगी तो आप देखिएगा कि ये पहनने के बाद भी कैसा लग रहा है। पीछे से ये पूरा प्लेन मिलेगा, मटेरियल इसका अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। इसके बाद बॉटम वियर की बात करते हैं तो इसका बॉटम वियर जो है लाइक्रा फैब्रिक का है, बहुत अच्छा ट्राउज़र पैंट है ये। आप इसे किसी दूसरे जो है उनके साथ भी, कुर्तीज़ के साथ भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये नेवी ब्लू टाइप में है, नेवी ब्लू शेड है, फुली इलास्टिकेटेड है आगे पीछे दोनों ही तरफ। बट ये मुझे इसकी जो विड्थ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कम लग रही है मेरे हिसाब से, बाकी आपको आ सकती है। पूरा प्लेन मिलेगा, नीचे की तरफ जो है इस तरह से एम्ब्रॉयड्री की गई है, एक लेग में इतना स्पेस मिलेगा। एम्ब्रॉयड्री केवल आगे की तरफ है, पीछे की तरफ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसमें पॉकेट वगैरह नहीं है, एक सिंपल सा कुर्ता सेट है, अच्छा लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है इसलिए ये अच्छा लग रहा है। इसके बाद दुपट्टे की बात करते हैं तो कॉटन मटेरियल का दुपट्टा मिलेगा। सावी उठ ना जाए इसलिए जल्दी जल्दी शूट कर रही हूँ वीडियो, वो यहीं सो रही है झूले में। कुछ इस तरह से इसका दुपट्टा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। ट्राय ऑन हॉल में फैला के बता दूंगी कि ये इसकी लेंथ विड्थ कितनी है। प्रिंटेड दुपट्टा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट कॉटन मटेरियल का है। इसका प्रिंट भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये एक्चुअली वही डिज़ाइन बनाई गई है जो कुर्ती पे है, एम्ब्रॉयड्री से बनाई गई है, वही यहाँ पे प्रिंट के थ्रू बनाई गई है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि ये सेट है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, पहले कुर्ता सेट देख लेते हैं। उससे पहले ये जो है मैंने फ्लिपकार्ट से कुर्ती ली है, कुर्ती है ये आई थिंक 350 रुपये की ही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी एम्ब्रॉयड्री की हुई है। पूरा नेक जो है एम्ब्रॉयड्री से भरा हुआ है, यहाँ पे यहाँ तक तो ये नेक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस पे स्लीव पे पोम-पोम की लेस की डिटेलिंग की गई है। इसका मटेरियल जो भी है वेस्कोस रियॉन मटेरियल है, नेवी ब्लू टील ब्लू कलर का कुर्ता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसे वाइट कलर के बॉटम वेयर के साथ पेयर अप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक निकल के आएगा। तो ये सस्ती सी सुंदर कुर्ती भी आप ले सकते हैं। साइड में मैं जो है पिक्चर अटैच कर दूँगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कुर्ती है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी।
तो आप इसको भी ले सकते हैं। और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ कुर्ती के साथ और भी कुर्तीज दिखाई हुई है जो कि 350 के आसपास ही है। फ्लिपकार्ट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी कुर्ती कलेक्शन है, वो अगर नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं। राखी के लिए एकदम परफेक्ट है। और आने वाले अब फेस्टिवल का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो फेस्टिवल के सीज़न के हिसाब से जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कुर्ती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कुर्ता सेट दिखाने वाली हूँ ये बेरी लिकस ब्रांड से है। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है, पकड़ने पे ही समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल है, बहुत ज़्यादा अच्छा कुर्ता सेट है। इसमें कलर ऑप्शन आई थिंक मुझे दिखे थे, एक ब्लू शेड था, एक पर्पल शेड था। यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूंगी मैं, तो आइए इसको ओपन करके देखते हैं। सबसे पहले कुर्ती की बात करते हैं। मैंने अभी इसमें अपने लिए डबल एक्सेल मंगाया है क्योंकि थोड़ा सा टाइट रह जाता है मुझे, तो इसलिए डबल एक्सेल मंगाया हुआ ताकि आसानी से आ सके। स्लीव की बात करते हैं तो 3/4 स्लीव मिलेगी इस पर। पूरी ही कुर्ती पे कुछ इसी तरह से प्रिंट किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा सही है। कॉटन मटेरियल की कुर्ती है, कॉटन मटेरियल काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा सही है। पास से बताती हूँ अगर आप देख के समझ पाए तो। इसके बाद नीचे की तरफ जो है जिगजैग वाली गोटा पत्ती की हल्की हल्की डिटेलिंग की गई है, गोल्डन कलर की, गोल्डन कलर का ही फॉइल प्रिंट किया गया है, कलरफुल जो है प्रिंट किया गया है ग्रे शेड पे। इसका बेस कलर ग्रे है एंड इस पर ब्लैक, येलो, ग्रीन, रेड, इस तरह से अलग अलग कलर का प्रिंट किया गया, तो बहुत ज़्यादा सुंदर जो है वो अभी तक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला कुर्ता सेट। आप ट्राई ऑन हॉल देखिएगा पहनने के बाद कैसा लग रहा है। इसके बाद आगे इस नेक की बात करते हैं तो राउंड नेक मिलेगा, बटन की डिटेलिंग की गई है, 1, 2, 3, 4 बटन्स की डिटेलिंग की गई है। ये भी एक स्ट्रेट कुर्ती है। पूरी कुर्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, आगे और पीछे दोनों ही तरफ काफ़ी ज़्यादा सही है, सेम प्रिंट किया गया पूरी कुर्ती में। इसके बाद बॉटम वेयर की बात करते हैं तो बॉटम वेयर का क्लॉथ मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। इसमें भी आपको ट्राउज़र पैंट मिलेगा, कुछ इस तरह से प्रिंटेड है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस तरह से आजकल नॉर्मली इसी तरह का चल रहा है कि पैंट जो है इस तरह से प्रिंटेड रहता है, कुछ स्ट्रेप वाला, कुछ जिगजैग वाला एंड इस तरह से, तो ये काल, बट इसका मटेरियल अमेजिंग है। आप डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आता है। इसमें और भी कलर ऑप्शन है, इसका मटेरियल सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फुल, और अब बात करते हैं बॉटम वेयर की, फुली इलास्टिकेटेड है, दोनों तरफ इलास्टिक दी हुई है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद ये पूरा इस तरह से बनाया गया है, देखिए लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद एक लेग में आपको इतना स्पेस मिलेगा, थोड़ा पैंट में इतना कम रहता है, ट्राउज़र पैंट में ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ये प्लाजो कम्बो पैंट कम प्लाजो टाइप में है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें पॉकेट वगैरह तो आपको नहीं मिलेगी, है एक साइड, राइट साइड आपको पॉकेट मिलेगी। एंड दुपट्टे की बात करते हैं तो दुपट्टा और सुपर डुपर सॉफ्ट है, कॉटन मटेरियल, वो सॉरी कॉटन नहीं, शिफॉन मटेरियल का दुपट्टा है, कुछ इस तरह से शेडेड है, ग्रे शेड, ब्लैक शेड एंड पर्पल शेड में, काफ़ी ज़्यादा सही इसका दुपट्टा लग रहा है। तो ओवरऑल ये सेट है मुझे अच्छा लगा, इससे पहले वाले से ये वाला सेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। प्राइस एक्चुअल मुझे याद नहीं है कि इसका प्राइस क्या है, बट काफ़ी ज़्यादा सही है ये। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अब दो कुर्ती की जो एक ही पार्सल में मुझे रिसीव हुई है। ये 2 कुर्तीज़ है, आइए इन्हें वन बाय वन देखते हैं, शायद एक ही ब्रांड की होगी इसलिए एक ही उसमें पार्सल में रिसीव हुई है। तो सबसे पहले जो है ये ब्लू वाली कुर्ती खोलते हैं, इस तरह से ये कुर्ती है, अनारकली कुर्ती है, काफ़ी ज़्यादा इसका भी सॉफ्ट मटेरियल लग रहा है मुझे, ये कुछ इस तरह से। इसमें मैंने अपने लिए एक्सेल साइज परचेज़ किया है। तो स्लीव की बात करते हैं तो इसकी काफ़ी ज़्यादा लंबी स्लीव है, आई थिंक जो चूड़ियों वाली स्लीव आती है ना यहाँ पे चुन्नट चुन्नट टाइप में बन जाती है, वैसी स्लीव है यहाँ पे बनेगी इसकी। लुक इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा आने वाला है, पूरी इसी तरह से प्रिंटेड कुर्ती है। पास से बताती हूँ, ये इस पर पूरी कुर्ती पर कुछ इसी तरह से प्रिंट किया गया है, फ्लावर डिज़ाइन, और यहाँ पर फ्लावर वाली लेस लगाई गई है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है कुर्ती। नेक पर इस तरह से जो है
है फ्लावर वाले सेम जो है वाइट कलर की लेस लगाई गई है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। बट इसका नेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, यहाँ से मुझे आएगा तो डीप नेक मुझे लग रहा है, बाकी पहनने के बाद पता चलेगा। शायद ये स्लीव की वजह से कुछ इस तरह से लग रहा है, आप ट्राई ऑन हॉल देखिएगा कि ये मुझ पर कैसी लग रही है। इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी लेस की डिटेलिंग की गई है बेस्ट एरिया पर, और पूरी नीचे की तरफ फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा सही है। पूरी ट्राई ऑन हॉल में फैला के बता दूंगी कैसा फ्लेयर है। ओवरऑल ये कुर्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, फेस्टिवल के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। आप इसे कभी भी पहन सकते हैं आने वाले फेस्टिवल में, राखी पे ट्राई कीजिए, गणेश चतुर्थी आने वाली है, नवरात्रे आने वाले हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो उनमें किसी में भी ट्राई कर सकते हैं। अनारकली कुर्ती वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और ये कलर ही ऐसा है जो नेवी ब्लू, टील ब्लू, ये कलर जो है सदाबहार कलर लगते हैं मुझे हमेशा। ये वाली कुर्ती भी मुझे एक बार में ही पसंद आ गई थी और मैंने इसे रख लिया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके बाद सेकंड कुर्ती देखते हैं, ये कुछ इस तरह से है और वाइट कलर में है, फ्लावर प्रिंटेड है पूरी कुर्ती, ये कुछ इस तरह से है। ये भी जो है वो कॉटन मटेरियल की है। स्लीव देखते हैं, 3/4 स्लीव है, पूरे जो है फ्लोरल प्रिंट है, इस पर काफ़ी ज़्यादा कलरफुल प्रिंट किया गया है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। नेक की बात करते हैं, राउंड नेक है, इसमें भी मैंने अपने लिए एक्सेल साइज़ परचेज किया है। एक्चुअली मैं अभी अपने लिए थोड़ा सा बड़ा साइज़ परचेज कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है, वो फीट करती है, तो थोड़ा बड़ा साइज़ परचेज कर रही हूँ ताकि मुझे आसानी से ट्राई ऑन हॉल करने पर आ पाए, कभी ऐसा ना हो कि नहीं आ पाए, मुझे ऐसा ही दिखाना पड़े। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा, जो भी आपका साइज है उसके हिसाब से ही आप लीजिएगा। इसके बाद ये पूरी कुर्ती प्लेन है, मतलब इस पर पूरा ही प्रिंट किया गया है, बाकी पूरी कुर्ती प्लेन है। इसके जो है एक ही साइड पर डोरी दी गई है, इतनी सुंदर लटकन बनाई गई है। आई थिंक ये बांधने के लिए नहीं, ये स्टाइल के लिए ही दी गई है, क्योंकि मैं दूसरी तरफ देख रही थी कुछ भी डोरी नहीं है। इसका जो फ्लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा घेरदार है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर जो है इस तरह से ये अलग पार्ट, फिर अलग जोड़ा है चुन्नट चुन्नट बना के, फिर अलग जोड़ा है चुन्नट चुन्नट बना के, कुछ इस तरह से इसका जो है पूरा लुक बनाया गया है। तो यहाँ पे जो है वो अलग अलग पार्ट जोड़कर फ्लेयर बनाया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर फ्लेयर निकल के आता है इस तरह से। बहुत सिंपल कुर्ती है पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी और ग्रेसफुल लग रही है, इसको पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक निकल के आने वाला है, सिंपल एंड गुड लुकिंग। आप इसको चाहे तो अच्छे से एक्सरसाइज करके बहुत अच्छा एथनिक लुक भी बना सकते हैं, या सिंपल लुक भी क्रिएट कर सकते हैं इसके साथ, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी कुर्ती लग रही है। इस कुर्ती को बताने के चक्कर में 2 बार सावी ऑलरेडी उठ चुकी है, उसको बीच बीच में झुलाना पड़ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसको सुला के वीडियो शूट करना, तो बट कोशिश करती हूँ कि कर सकूँ। तो ये रही जो है 4 ड्रेसेस। कुर्ती की क्वालिटी अमेजिंग है, आप उन्हें डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे, क्वालिटी डेफिनेटली पसंद आने ही वाली है। तो अगर आपको पसंद आता है इनका लुक, या ये कुर्तीज़ पसंद आती, कुर्ता सेट पसंद आते हैं, तो आप अपने लिए ले सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा आजियो का हॉल, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। तो ये था मेरा छोटा सा कलेक्शन, इसी तरह के मेरे वीडियोज़ देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।